नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 91वां दिन है और अब कांग्रेस की पदयात्रा राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। आज 7 दिसंबर बुधवार को यात्रा राजस्थान के दरा स्टेशन के गणेश मंदिर से शुरू की गई, जो कि शाम के समय केबल नगर में जाकर रुकेगी। आपको बता दें, कांग्रेस की यह पदयात्रा राजस्थान में 17 दिनों तक जारी रहेगी और इसके बाद यात्रा अपना 500 किलोमीटर तक का सफर पूरा कर 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करेगी। दिल्ली में 4 दिसंबर को हुए नगर निगम चुनाव के आज बुधवार को नतीजे आने हैं, जिसे लेकर वोटों की गिनती की तैयारी पूरी कर ली गई है। मिली जानकारी के अनुसार आज 7 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए पूरे शहर में 42 केंद्र बनाए गए हैं। एक अधिकारी द्वारा बताया गया है कि कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। बता दें, दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड हैं, जिनमें 1349 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर है। पश्चिम बंगाल में हुए करोड़ों रुपए के शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच कर रही सीबीआई की टीम के उप महानिरीक्षक और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के हाल ही में बने नए प्रमुख अश्विन सेनवी ने सोमवार को कोलकाता हाई कोर्ट में बताया कि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सभी श्रेणियों में कुल 21,000 उम्मीदवारों की अवैध तरीके से भर्ती की गई है और 9,000 से ज्यादा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन शीट से छेड़छाड़ की गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भर्ती के मुख्य पैनल से लेकर वेटिंग लिस्ट तक सब भ्रष्टाचार के सबूत हैं। वहीं मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस विश्वजीत बसु ने एसआईटी प्रमुख की दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आपको जो भी मदद चाहिए अदालत को सूचित कीजिए, अदालत आपको हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर जांच को अंत तक पहुंचाने की जरूरत है। इस तरह के भ्रष्ट आचरण में शामिल लोगों में से किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए गद्दार वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि इस टिप्पणी से वो दुखी और आहत हुए हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ना होगा। सचिन पायलट ने आगे कहा, हाँ, मैं एक राजनेता हूँ, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे दुख हुआ, पर मैं अतीत में नहीं जाना चाहता। मेरे हाथ में एक काम है और एक मिशन है, हमें आगे बढ़ना है। हम सभी को मिलकर काम करना होगा। अगर हम अभी काम करते हैं तो हम सरकार बना सकते हैं, राजनीति बदल सकती है, एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में बदल सकती है। बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में कुछ उधार लिए हुए रुपए वापस नहीं कर पाने की वजह से एक महिला की भयावह तरीके से हत्या कर दी गई है। भागलपुर के सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात द्वारा मामले का खुलासा करते हुए बताया गया कि शनिवार को सिंधिया पुल के पास धारदार हथियार से हमला कर एक महिला की हत्या कर दी गई। इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि महिला और आरोपी के बीच पैसे के लेन देन को लेकर कई बार झड़प हो चुकी थी। महिला को अकेला पाकर आरोपी ने धारदार हथियार से प्रहार किया और उसे मार दिया। मुख्य आरोपी शकील मियां को लक्ष्मीपुर भौरंग बागीचे से और उसके सहयोगी जुदीन मियां को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि घटना के तुरंत बाद महिला को रेफरल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया और वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जांच में पता चला है कि महिला की आरोपी से जान पहचान थी। महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए आरोपी से कुछ उधार लिया था और वो उधार की रकम नहीं चुका पा रही थी, जिस कारण आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक 5 साल के बच्चे के 400 फीट गहरे बोरवेल में गिरने की खबर सामने आई है, जिसका नाम तन्मय है। तन्मय 400 फीट गहरे गड्ढे में लगभग 55 फीट की गहराई पर फंसा हुआ है। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन अधिकारी और एसडीआरएफ की टीम द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि जिले के आठनेर ब्लॉक के अंदर आने वाले गांव मांडवी में करीब एक हफ्ते पहले सुनील दियावार ने बोरवेल के लिए गड्ढा कराया था, जिसमें मंगलवार शाम को उनका बेटा तन्मय गिर गया। सुनील ने बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद अब राहत और बचाव कार्य जारी है। साथ ही तन्मय को बोरवेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था भी कर ली गई है और इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरा की सहायता से बच्चे की हरकत पर नजर रखी जा रही है। बता दें, 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान करीब 12 फीट गहराई तक गड्ढा खोद लिया गया है, लेकिन अब पत्थर आ जाने से खुदाई में मुश्किल आ रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आए दिन कोई ना कोई नया उलटफेर देखने को मिल रहा है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोहा के एजुकेशन स्टेडियम में खेले गए मैच में वर्ल्ड रैंकिंग में 22वें नंबर की टीम मोरक्को ने 2010 की चैंपियन टीम स्पेन को प्री क्वार्टर फाइनल में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। पेनल्टी शूटआउट में निकले परिणाम में मोरक्को की टीम ने स्पेन को 3-0 के अंतर से हराया और वर्ल्ड कप के इतिहास में
पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com पर।